हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। फीफा वर्ल्ड कप रशिया 2018 खत्म हो गया है, इस पर 20 सवाल कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जो विश्व कप है इसको लेकर रूस की सरकार ने एक डाक टिकट जारी करा, एक स्टैंप जारी करा, 100 रूबल का था ये। रशिया की मुद्रा जो है वो रूबल है। तो इस पे फोटो किसका है? इस पे रशिया के महान गोलकीपर लेव याशिन का फोटो है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल कौन सी टीम ने मारे? सबसे ज्यादा गोल बेल्जियम ने दागे, 16 गोल्स वर स्कोर्ड बाय बेल्जियम। जो फ्रांस के कोच हैं दिदिये देशों, ये तीसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने वर्ल्ड कप को जीता बतौर खिलाड़ी और बतौर कोच। इससे पहले दो कौन थे? तो एक थे ब्राजील के मारियो जगालो और दूसरे थे जर्मनी के फ्रांस बेकेनबावर। मैं रिपीट करता हूं, ब्राजील के मारियो जगालो और जर्मनी के फ्रांस बेकेनबावर, ये दो थे। और फ्रांस के कोच हैं दिदिये देशों, इन्होंने भी 1998 में वर्ल्ड कप जीता था एज अ प्लेयर, खिलाड़ी के तौर पर। और अब 2018 में 20 साल बाद इन्होंने एज अ कोच वर्ल्ड कप जीता है। तो फ्रांस का ये दूसरा वर्ल्ड कप था, ये भी याद रखिए। ये है फाइनल पोजीशन, चैंपियंस रहे फ्रांस, ये इनका दूसरा टाइटल था 1998 और 2018। दूसरे नंबर पे क्रोएशिया, तीसरे नंबर पे रहे बेल्जियम और चौथे नंबर पे इंग्लैंड। और तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए आपस में मैच खेला था बेल्जियम और इंग्लैंड ने, जिसको बेल्जियम ने 2-0 से जीता था। गोल्डन बूट, एक सोने का जूता मिलता है जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल मारता है, ये किसको मिला? इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन, हैरी केन को मिला गोल्डन बूट। इन्होंने 6 गोल मारे वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा। याद रखिए, ये दूसरे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जिन्हें गोल्डन बूट मिला है। इससे पहले 1986 के विश्व कप में गैरी लिनेकर उन्हें भी गोल्डन बूट मिला था। रेफरी द्वारा कितने पीले कार्ड दिखाए गए इस वर्ल्ड कप में? पीले कार्ड जो होते हैं वो माइनर फाउल के लिए दिए जाते हैं, और बड़े फाउल के लिए मिलता है लाल कार्ड। लाल रंग का कार्ड अगर मिल जाए तो खिलाड़ी को वहीं पर गेम छोड़ना पड़ता है और टीम में एक मेंबर कम हो जाता है। पीला कार्ड, 2 पीले कार्ड, 1 लाल कार्ड में कन्वर्ट होते हैं। टोटल 219 पीले कार्ड दिखाए गए। विश्व कप के इतिहास में पहली बार फेयर प्ले रूल का इस्तेमाल किया गया। फेयर प्ले रूल, ये कौन सी टीम ने यूज किया, मतलब कौन सी टीम को फायदा मिला? जापान और सेनेगल, इनके पॉइंट्स भी सेम थे और जिन्होंने इन्होंने गोल मारे वो भी सेम थे, लेकिन जापान को पीले कार्ड कम मिले थे इसलिए जापान ने क्वालिफाई कर लिया राउंड ऑफ 16 के लिए और सेनेगल बाहर हो गई थी। तो जापान को फायदा मिला इसका और सेनेगल को इसका नुकसान हुआ। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार फेयर प्ले रूल का इस्तेमाल किया गया। वर्ल्ड कप 2018 में एक ही खेल ऐसा था जिसमें कोई भी गोल नहीं हुआ। यह खेल कौन से दो देशों के बीच खेला गया? डेनमार्क और फ्रांस के बीच जो गेम था 0-0 से खत्म हुआ। ये एकमात्र इस विश्व कप का गेम था जिसमें कोई भी गोल नहीं हुआ। इस वर्ल्ड कप के सबसे बूढ़े खिलाड़ी कौन से थे? ये मिस्र यानी इजिप्ट के गोलकीपर एसाम अल हदारी, ये 45 साल 161 दिनों के थे जब विश्व कप में इन्होंने अपना पहला मैच खेला। इनका पहला मैच सऊदी अरब के खिलाफ था, 45 साल 161 दिन। इस विश्व कप में पहली बार कौन सी टीम ने खेला? दो टीमें थी जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप खेला, एक थी पनामा और एक थी आइसलैंड। पनामा और आइसलैंड, हालांकि दोनों ही टीमें राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई नहीं कर पाई और पहले ही बाहर हो गई थी ग्रुप स्टेज में, लेकिन इनका पहला वर्ल्ड कप था दोनों टीमों का, पनामा और आइसलैंड। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन रहे? अगर आप सोच रहे हैं मबापे, नहीं, ये थे ऑस्ट्रेलिया के डैनियल अरजानी की जो उम्र जब इन्होंने अपना पहला मैच खेला जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो वो थी 19 साल और 152 दिन। और ये मबापे से 15 दिन छोटे हैं। तो जो मबापे हैं फ्रांस के, वो दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे। डैनियल अरजानी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के। गोल्डन बॉल मिलता है वर्ल्ड कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, यह मिला क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच। वर्ल्ड कप का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, इन्होंने बहुत सारे सेव्स किए, ये बेल्जियम के गोलकीपर रहे। इन्हें स्वर्णिम दस्ताने मिले, गोल्डन ग्लव अवार्ड मिलता है। इनका नाम है थिबो कोल्टुआ। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी रहे कैलियन मबापे, फ्रांस के कैलियन मबापे। अगला वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा? 2022 में खेला जाएगा कतर में। याद रखिए, यह पहला वर्ल्ड कप होगा जो सर्दियों में खेला जाएगा, विंटर में। अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप खेले गए हैं वो सारे समर में खेले गए हैं, लेकिन यह पहला वर्ल्ड कप होगा जो विंटर में होगा, यानी 3.5 साल बाद होगा। एग्जैक्टली 4 साल बाद नहीं होगा, 3.5 साल बाद। वर्ल्ड कप 2026 कहां खेला जाएगा? ये 3 देशों में मिलकर खेला जाएगा, अमेरिका मैक्सिको और कनाडा। वर्ल्ड कप 2018 का सबसे पहला गोल किसने किया? ये किया यूरी गाजिंस्की ने। ये फर्स्ट गोल था वर्ल्ड कप का, यूरी गाजिंस्की। रशिया का पहला मैच था सऊदी अरब से जो इन्होंने 5-0 से जीता, तो उसमें पहला गोल मारा था यूरी गाजिंस्की ने।
वर्ल्ड कप में जो गेंद यूज हुई उसका क्या नाम था? ऑफिशियल मैच बॉल। इसका एडिडास ने निर्माण किया। इस गेंद का नाम था टेल स्टार 18। इस वर्ल्ड कप का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था? यह एक लोमड़ी थी जिसका नाम था जबीवका नाम की लोमड़ी। यह थी मैस्कॉट इस वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप के जो फाइनल मैच था उसमें रेफरी कौन थे और कौन से देश के थे? इनका नाम था नेस्टर पिटाना और ये अर्जेंटीना के रेफरी हैं। और आखिरी सवाल, ये जो वर्ल्ड कप है ये इसका फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया? स्टेडियम का नाम है लुज़निकी स्टेडियम मॉस्को। रशिया की राजधानी मॉस्को में है लुज़निकी स्टेडियम। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं जो फीफा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ज्यूरिख में, ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। और फीफा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है जियानी इन्फेंटिनो जो इटली के हैं पर इनको स्विट्जरलैंड की नागरिकता भी प्राप्त है। सो ये थे 20 क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप से। और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो ये बताइए कि इस वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र के और सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी कौन थे। थैंक यू सो मच।